हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टार पैटर्न 7। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर ये वाला पैटर्न दिख रहा है, इसे कहते हैं हम पिरामिड न्यूमेरिक पैटर्न। ठीक है, तो इसे हम डिजाइन करेंगे। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस, हमारा जो पहला स्टेप होने वाला है वो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हम इसमें पता करेंगे कितना है। ठीक है, उसके हिसाब से हम अपना बेसिक स्केलेटन को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप वन में हम लाइंस को ड्रॉ करेंगे। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि जो आई रिप्रेजेंट करता है वो रोज को रिप्रेजेंट करता है, जो जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लाइंस को ड्रॉ कर लिया यार। ठीक है, और हम क्या करेंगे, अब नंबरिंग करेंगे। ठीक है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 कॉलम्स, एंड आई की वैल्यू कितनी है जो रोज हमारी है, वो है 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो यहाँ पर ये पता चल रहा है हमें कि जो नंबर ऑफ रोज है वो है 4 और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो है 7। ठीक है, तो हमें जो बेसिक स्केलेटन बनाना है तो हमें ये दिमाग में रखते हुए बनाना है कि जो जे की वैल्यू है वो अप टू 7 होनी चाहिए और जो आई की वैल्यू अप टू 4 होनी चाहिए। तो चलो यार, सबसे पहले हम अपना बेसिक स्केलेटन को बनाते हैं, जो हम पहले वाले प्रोग्राम्स में करते आए हैं। ठीक है, तो उससे हमें एक क्लैरिटी मिलती है कि ये जो हमारा जो बेसिक स्केलेटन होगा वो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो चलो यार बनाते हैं। सो गाइस, तो हम आई और जे की वैल्यू को डिक्लेयर कर लें। ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, और जो आई जो रिप्रेजेंट करता है रोज को रिप्रेजेंट करता है, तो हम आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके और उसको चलाएंगे। हमारा जो वैल्यू कितना था आई का, वो था 4, तो 4 चलाना है हमें और आई को इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद से अगला फॉर लूप जो हमारा होगा वो होगा जे के लिए, जो होगा हमारा कॉलम्स को हमें कहाँ तक चलाना है, अप टू 7। ओके, जे प्लस प्लस फॉर। ओके, तो इसके अंदर हम अपना सबसे पहले हम स्टार प्रिंट करके देखते हैं कि कैसा दिखेगा प्रोग्राम। ठीक है, ओके, अब इसको प्रिंट करने के बाद टू न्यू लाइन में शिफ्ट हो जाए हर एक कॉलम के आइटरेशन के बाद। फिर उसके बाद से ऊपर इस वाले लूप में जाकर, इस वाले लूप में जाकर फिर से ये इस चीज को कितने 7 बार प्रिंट करेगा। ठीक है, तो चलो यार, सबसे पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमें 7 कॉलम्स मिल गया और हमें 4 रोज मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें कुछ पिरामिड वाला, पहले हम क्या करेंगे, स्टार पैटर्न को बनाएंगे। पिरामिड वाले स्टार पैटर्न को बना के हम फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे उसे न्यूमेरिक जो हमें चाहिए, जैसा मैंने आपको पैटर्न में दिखाया था वाला पैटर्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पिरामिड स्टार पैटर्न बनाते हैं। अब पिरामिड बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिखनी होगी ये कंडीशन को ट्रू करे और वहीं पर स्टार प्रिंट हो। ठीक है, इतनी बात आई समझ, और नहीं तो एल्स पर क्या प्रिंट होगा, स्पेस। ओके, तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पर उसका फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होगा कि वहीं पर स्टार प्रिंट होगा और जो हमें चाहिए, सबसे पहले हमें पिरामिड को बनाना है, पिरामिड स्टार पैटर्न। उसके बाद पिरामिड स्टार पैटर्न को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, न्यूमेरिक जो हमें चाहिए, न्यूमेरिक पैटर्न जो मैंने आपको दिखाया था स्क्रीन पर। सो गाइस, अगले वाले स्टेप में हम क्या करते हैं कि आई और जे को हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, और जो उसकी वैल्यूज है हम जहां जहां स्टार आया है वहां वहां हम उसकी वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू कितनी है, 4। ओके, अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू कितनी है, कितनी है, 3, 4 एंड 5। यहाँ पर ये प्रिंट हुआ है ना, ये 1, 2 है। ठीक है, तो लिख देते हैं 3, 4 और 5। ओके, अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यू कितनी है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पर एक चीज प्रिंट हुई है, तो अगर आई की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो जे की वैल्यू होगी 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगर आई की वैल्यू 4 है तो जे की वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, सारी, तो यहाँ पर लिख देते हैं आई की वैल्यू 4 है, सॉरी 4 है, तो यहाँ पर जे की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5। थोड़ी राइटिंग खराब है, माइंड करना आप लोग। ठीक है, हाँ ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में अब ये जितनी भी वैल्यू हमने जे की लिखी है इसे हम मर्ज करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें इसे मर्ज करना होगा तो हम कैसे करेंगे, देखो आप यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूं मैं। क्या मैं इसे 3, 4, 5 को ऐसे लिख सकता हूँ, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3
एंड ठीक है, एंड जे इज लेस देन इक्वल टू 5। तो 3 से लेकर 5 तक सब रेंज आ गई इसमें। ओके, अब हम यहां पर ये वाली वैल्यू को देखते हैं। जे की वैल्यू कितनी है? 2, 3, 4, 5, 6। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, एंड सॉरी, एंड जे इज लेस देन इक्वल टू 6। ओके, अब यहां पर इसकी वैल्यू को देखते हैं। जे इज लेस सॉरी जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड जे इज लेस देन इक्वल टू 7। तो 1 से लेकर 7 तक की रेंज आ गई। अब यहां पर हम इस 4 के लिए क्या कर सकते हैं? जे इज लेस देन इक्वल टू, इसे हम मिटा देते हैं, आपको तो इस पता ही है, हाई रो को रो और जे कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम जो अगला स्टेप करेंगे, स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, इसे ओवरऑल हम मर्ज करेंगे, ठीक है। जो लेफ्ट साइड जो वैल्यू है इसे हम मर्ज करेंगे और जो राइट साइड की वैल्यू है इसे हम टोटली मर्ज करके एक बड़ा सा फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारा जे की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर हम अपना जो भी है यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे लेफ्ट साइड वाला मर्ज करके, और यहाँ पर राइट साइड वाली फॉर्मूले को लिखेंगे मर्ज करके, ठीक है। जे इज लेस देन इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर अगर जे की वैल्यू 4 है तो सॉरी यहाँ पे देखो जे की वैल्यू कितनी है लेफ्ट साइड में, सारी जे की वैल्यू 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब हमें कुछ ऐसा यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बनाना होगा कि जो आई की वैल्यू इसमें जाए और इसमें जे सेटिस्फाई हो जाए सब वैल्यूज के लिए। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 5 माइनस आई। अब आप यहाँ पे आई की वैल्यू रख के देखो, आई की वैल्यू अगर 1 है रख के देखते हैं तो 5 माइनस 1 4 सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे ही आई की वैल्यू अगर 2 है तो 5 माइनस 2 3 सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे ही आई की वैल्यू अगर 3 है तो 5 माइनस 3 2 को सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे ही लास्ट वैल्यू आई अगर 4 है तो यहाँ पर रख के देखो 5 माइनस 4 कितना होगा? 1, ठीक है, सेटिस्फाई करता है। अब लेफ्ट साइड वाली वैल्यू तो सेटिस्फाई हुई है। अब आते हैं राइट साइड वाली वैल्यू पे। अब राइट साइड वाली जो वैल्यू है वो कितनी है? 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा यहाँ पे सोचना होगा कि ये वैल्यू सारी इसमें मर्ज हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, आपको सोचना पड़ेगा। मैंने जो फॉर्मूला बनाया वो बनाया 3 + i। अब i की वैल्यू रख के देखो, यहाँ पे i की वैल्यू अगर 1 है तो 3 + 1 4, ठीक है, अगर 1 है तो 4, ठीक है। वैसे ही i की वैल्यू 2 है तो 3 + 2 5। वैसे ही अगर i की वैल्यू 3 है तो 3 + 3 6, ट्रू। देन i की वैल्यू अगर 4 है तो j की वैल्यू होगी 3 + 4 7, सेटिस्फाई करता है। तो हमारा जो ओवरऑल जो लेफ्ट और राइट साइड वाली वैल्यू को मर्ज करके टोटल मर्ज फॉर्मूला बनता है, तो ये बनता है। अगर हम इस स्टेटमेंट में ये वाले फॉर्मूला को लिखेंगे और वहीं पर स्टार प्रिंट होगा ऐसे पैरामिड वाला, ठीक है। अब पैरामिड वाला स्टार प्रिंट होने के बाद हमें उसे पैरामिड वाला स्टार प्रिंट करने के बाद हमें क्या करना है कि उसे कन्वर्ट करना है ये वाली वैल्यूज में, ठीक है, जो हम देख रहे हैं न्यूमेरिक वैल्यूज। अब वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम पैरामिड को पहले प्रिंट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। ओके, सो हम अपना जो फॉर्मूला हमने बनाया है उसे हम यहाँ पर लिखते हैं। जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस आई एंड जे इज लेस देन इक्वल टू कितना? 3 + i था। ओके, सो रन करो इसे, ठीक है। आप देख सकते हो कि पैरामिड प्रिंट हो चुका है, ये हमारा आधा काम हुआ है। ओके, तो सबसे पहले आप इस पैटर्न को समझो। तो ये जो पैटर्न है 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमें तो ये बात तो क्लियर है कि हमें जो प्रिंट करना है सबसे पहले 1 से हमें स्टार्ट करते हुए प्रिंट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में जो आप देख सकते हो 1 की वैल्यू जो है, फिर यहाँ पर 1 आ चुका है, फिर 1 के बाद ये इंक्रीमेंट हुआ है फिर डिक्रीमेंट हुआ है, मतलब 1 to 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है कि ये जो फर्स्ट वैल्यू जो है वे 1 ही होने वाली है। अब 1 के बाद ये जो इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट होकर ये जो यहाँ पर जाके मतलब ये जो मिडिल वैल्यू में जाके फिर ये डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हुआ है। तो 3 फिर 2 फिर 1, वैसे ही स्टार्ट तो 1 से हो रहा है और फिर इंक्रीमेंट होकर 2, 3, 4 बन रहा है, फिर यहां पर जाके ये डिक्रीमेंट हो रहा है 3, 2, 1। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें हर जगह पहले हम 1 प्रिंट करते हैं। तो मैंने आपको जैसे बोला कि हमें सबसे पहले हर जगह 1 को प्रिंट करना है, तो हम क्या करते हैं कि ऊपर एक अलग से के वेरिएबल को ले लेते हैं, ठीक है, डिक्लेयर कर लेते हैं। अब जो के की वैल्यू है वो 1 हम रखते हैं इस फॉर लूप के अंदर आकर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस के की जो वैल्यू है हर बार ये 1 प्रिंट होगा, तो
तो यहाँ पर परसेंट डी लगाते हैं प्रिंट करने के लिए कोई भी इंटीजर वैल्यू हो। ओके, के को प्रिंट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि हर जगह वन प्रिंट हुआ है। अब हमें क्या करना है कि देखो, क्या हम ऐसे कर सकते हैं, अगर के की वैल्यू को अगर हम इंक्रीमेंट करें यहाँ पे तो क्या आउटपुट आता है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो आउटपुट हमारा ये ऐसा कुछ आता है, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। के तो इंक्रीमेंट होकर यहाँ पर हमें 1, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दे रहा है। बट यहाँ पर हमें क्या कंडीशन लगानी है, सो गाइज हमें यहाँ पर देख के क्या पता चल रहा है कि जो जे की वैल्यू है अगर वो लेस देन 4 है, ठीक है, लेस देन 4 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंक्रीमेंट हो रहा है, और जब ग्रेटर देन 4 हो जा रही है तो यहाँ पर डिक्रीमेंट होना चालू हो जा रहा है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो लेस देन 4 है तो 1 2, ठीक है, लेस देन 4 है तो 1 2, फिर 3 हो जा रहा है, फिर यहां से जाकर डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो रहा है। क्या हम यहाँ पर कंडीशन ऐसे लिख सकते हैं कि अगर लेस देन 4 है जे की वैल्यू तो इंक्रीमेंट हो या तो डिक्रीमेंट हो। ओके, सो यहाँ पर हम कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, तो जे इज लेस देन 4 हो तब जाके के इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो हमें पैटर्न चाहिए था वो प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, तो आज के लिए धन्यवाद।